आलेखीय विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करने वाला यह सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो अधिकांशतः बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और हो सकता है इस वर्ष के बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए। प्रश्न आपको दिया गया है कि रैखिक समीकरण युग्म से आपको पहले तो इन दोनों समीकरण युग्मों को हल करना है, इन दोनों समीकरणों को हल करना है, और उसके बाद आपको इस युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं और y अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों से सारणी का निर्माण करेंगे। देखिए किस प्रकार से, दोनों समीकरणों को आप अलग अलग लिख लें। यहां देखिए मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूं, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिंपल मेथड बताया था जो लगभग सभी कर सकते हैं, और यहां भी मैं आपको उससे भी सिंपल मेथड बता रहा हूं। थोड़ा सा गौर से देखें ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे नंबर ला सकें। पहले हम इस समीकरण की बात करते हैं, बिना पक्षांतरण किए सारणी कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां देखिए एक्स का जो गुणांक है और y का जो गुणांक है, दोनों ही गुणांक ऐसे हैं जिनका भाग 20 में जा सकता है, यानी 4 का भाग भी 20 में जा सकता है, 5 का भाग भी 20 में जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही इधर है, 3 का भाग भी 15 में जाएगा और 5 का भाग भी 15 में जाएगा। तो यहां हमें केवल एक ही काम करना है, बिना पक्षांतरण किए एक बार तो इस समीकरण में एक्स बराबर 0 रख दीजिए, x बराबर 0 रखने पर क्या होगा, देखिए 4 x की जगह आपने रख दिया 0 माइनस 5 y बराबर 20। 4 इंटू 0 करेंगे तो 0 माइनस 5 y बराबर 20। 0 का कोई महत्व नहीं है इसलिए आप इसे हटा सकते हैं, ये हो गया माइनस का 5 y बराबर 20 या y बराबर 20 बट्टे में माइनस का 5 यानी माइनस का 4। ये तो बात हुई x बराबर 0 रखने पर, अब हम y बराबर 0 रखकर देखते हैं। y बराबर 0 रखने पर क्या होता है, देखिए y बराबर 0 रखने पर वही दिए गए समीकरण में y बराबर 0 रखेंगे आप तो 4 x as it is माइनस 5 y की जगह आपने रख दिया 0 और बराबर में आ गया 20। इसके बाद 4x माइनस, इसे मैं डायरेक्ट ही 0 लिख देता हूं, बराबर में आ गया 20 यानी x बराबर आ गया 20 बट्टे में 4 यानी कि 5। केवल दो मान रख दीजिए, दो मान सफिशियंट है, एक बार तो x बराबर आप 0 रख देंगे, एक बार y बराबर 0 रख देंगे। तो इस तरह से जो दो मान हमें मिले हैं इन दोनों की हम बना लेंगे सारणी। देखिए दो मान भी सफिशियंट हैं, जरूरी नहीं कि आप तीन मान निकालें, इसलिए केवल x बराबर 0 रखते हैं और y बराबर 0 रखते हैं, और सिंपल सी कैलकुलेशन होगी वो आप कर लें और सारणी निर्माण कर लें। अब सारणी में मान रखते वक्त ध्यान दें कि अगर आपने x बराबर 0 रखा है तो x वाले डिब्बे में 0 रखना है, और अगर आपने y बराबर 0 रखा है, देखिए दो स्थितियां हैं, पहली स्थिति के लिए तो ये वाला, दूसरी स्थिति के लिए ये वाला कॉलम लेंगे हम। तो जब आपने x बराबर 0 रखा तो y बराबर आपको मिला था माइनस का 4, और जब आपने y बराबर 0 रखा, अब देखिए y के डिब्बे में 0 रखेंगे, तो अगर आपने y बराबर 0 रखा तो x बराबर आपको मिला था 5। बस ये ध्यान रखना आपको कि किसकी वैल्यू रखी थी और किसकी वैल्यू निकाली थी। अब हम लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखिए 3x प्लस 5y बराबर 15 है, तो आपको वही करना है, एक बार तो रखना है x बराबर 0। तो जब आप यहां पर x बराबर 0 रखेंगे
तो सवाल आपको मिलेगा 3 इंटू 0 प्लस 5y बराबर 15। 3 इंटू 0 हो गया है 0 प्लस 5y बराबर 15, यानी यहां से y बराबर आपको मिलेगा 15 बटे में 5, y बराबर आ गया 3। सेकेंड वैल्यू रखते हैं। अब दूसरी बार में हम क्या करेंगे, एक बार में हमने x बराबर 0 रखा है तो दूसरी बार में हम y बराबर 0 रखेंगे। y बराबर 0 रखकर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 3x प्लस 5 y की जगह 0 बराबर 15। x बराबर आ गया 5। अब ये जो दो मान हमें प्राप्त हुए हैं इनकी हम सारणी बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले वाले समीकरण की सारणी बनाई थी हमने। बस ध्यान ये रखें किसका मान रखा है और किसका मान आया है। आपने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 3 आया था, और y बराबर 0 रखा तो x बराबर 5 आया था। आपको दोनों तरीकों में से जो इजी लगे आप उस तरीके को यूज करके सारणी बना लें। सारणी बनाने के बाद का काम हम ग्राफ पेपर पर करेंगे। ग्राफ पेपर पर यहां तक का काम करके मैंने पहले ही तैयार कर लिया है, क्योंकि यह कैसे किया जाना है यह मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। केवल इतना ध्यान रखें कि आप दोनों अक्षों के कटान बिंदु से लाइनों पर ही कट लगाएं। अगर आप लाइनें छोड़ देते हैं या कोई लाइन भूल जाते हैं तो फिर आपका ग्राफ गलत हो सकता है। अब सारणी की सहायता से दिए गए समीकरणों के लिए रेखाओं का निर्माण करते हैं। देखिए सारणी के मान क्या क्या थे। पहली सारणी में पहला मान था 0 पर -4, तो हमें इस ग्राफ पर ढूंढना है 0 पर -4। ध्यान दीजिए x बराबर 0 है इसलिए बिंदु y अक्ष पर मिलेगा, और y पर हमें कितना लेना है माइनस का 4, इसलिए बिंदु यहां मिलेगा। ये हो गया 0 पर -4। दूसरा बिंदु क्या है हमारा, दूसरा बिंदु है हमारा 5 पर 0। 5 पर 0, 5 पर 0 यानी x अक्ष पर तो 5 लेना है और y क्या है 0 है, तो y 0 है तो x अक्ष पर आपको बिंदु मिलेगा, और कहां मिलेगा जहां पर x बराबर कितना है 5 है वहां मिलेगा। तो ये हो गया हमारा बिंदु 5 पर 0। इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से आप मिला देंगे, इस तरह यह रेखा आपको जिस समीकरण की मिली है वो समीकरण भी आप यहां पर लिख दें। और हमारा जो पहला समीकरण है वो था 4x माइनस 5y बराबर 20। अब दूसरे समीकरण की बात करते हैं। दूसरे समीकरण की जो सारणी है वो है पहला बिंदु है 0 पर 3। 0 पर 3 यानी x बराबर 0 है तो बिंदु हमें कहां मिलेगा y अक्ष पर मिलेगा। y अक्ष पर आपको 3 ढूंढना है जो कि ये रहा, ये हो गया 0 पर 3। और दूसरा बिंदु क्या है 5 पर 0, जो हम पहले ही यहां प्रदर्शित कर चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे, और हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे स्केल की सहायता से। यह रेखा हमें जिस समीकरण की मिली है वो समीकरण आप इस रेखा के ऊपर लिख दें, 3x प्लस 5y बराबर 15।
पैमाना मैंने पहले ही लिख दिया है, आप एक बार वापस देख लें। पैमाना एक्स अक्ष पर है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष पर है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, वो बिंदु आपको देखना है। दोनों रेखाएं किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसलिए इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, और हल क्या होगा? 5/0। तो आप इस हल को लिख देंगे, अतः x बराबर तो आ गया आपके पास में 5, और y बराबर आपके पास में आ गया है 0। ये तो हुआ समीकरण निकाय का हल। इसके साथ ही उसने एक क्वेश्चन और जोड़ा था, अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। y अक्ष और समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने। देखिए यहां y अक्ष की जगह वो x अक्ष भी पूछ सकता है। आपको ध्यान क्या देना है कि दोनों समीकरण जो हैं उनकी रेखाएं और y अक्ष जहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, वो दोनों बिंदु आपको ढूंढने हैं। देखिए यहां एक रेखा तो है ये, और एक रेखा है ये, और ये दोनों रेखाएं y अक्ष को इन दो बिंदुओं पर काट रही है। ये हमारी y अक्ष है, इन्हें दो बिंदुओं पर काट रही है, एक तो 0 पर -4 और एक काट रही है 0 पर 3। और दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां काट रही हैं? 5 पर 0। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है y अक्ष, और दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद से इस त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, और इस त्रिभुज के निर्देशांक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इस त्रिभुज के निर्देशांक हम लिख देंगे, पुनः y अक्ष व समीकरण युग्मों रेखाओं के प्रतिच्छेद से बने त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या होंगे? एक तो होगा 5/0, जो कि हमारा आंसर भी है। दूसरा होगा 0 पर -4, और तीसरा होगा 0 पर 3। इतना काम करने के बाद आप पूरे 6 में से 6 नंबर ले पाएंगे। तो बार बार अभ्यास करें इन क्वेश्चंस का, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार का एक क्वेश्चन आना कंफर्म है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।